है बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का जो चैप्टर है कक्षा थी विषय गई का जो चैप्टर है वह है जोड़। किसी भी संख्या को हम कैसे जोड़ते हैं, पिछली कक्षाओं में भी आप लोग पढ़ चुके हैं, उसी को यहाँ पे दोहराया जाएगा एक बार और। तो जोड़ आप लोग समझते हैं, एडिशनल जो होता है, जोड़ जो होता है, जोड़ का चिन्ह जो होता है प्लस, आप लोगों को पता है प्लस होता है। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई भी संख्या अगर है, जैसे मान लीजिए पाँच है, पाँच प्लस जीरो क्या होगा, आंसर कितना आएगा, पाँच। पता है किसी भी संख्या में अगर हम जीरो को जोड़ते हैं तो वह संख्या बदलती नहीं है, वह संख्या स्वयं वही संख्या रह जाती है। इसलिए जीरो का, जैसे आप लोगों को पता है जीरो का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तो उसी आधार पर जब पाँच ये है, पाँच में प्लस जीरो मतलब इसमें कुछ जोड़ा नहीं जा रहा है, तो आंसर कितना है, पाँच। कोई भी संख्या जैसे चाहे इकाई में हो, चाहे दहाई में हो, चाहे सैकड़े में हो, चाहे हजार में, लाख में, कितना भी संख्या है अगर उसमें हमें प्लस जीरो करना है तो आंसर कितना है, वह संख्या जो यहाँ पे दिया हुआ है वही संख्या यहाँ पे रह जाएगा। जैसे मान लीजिए 3430 है, प्लस जीरो है, कितना आंसर रह जाएगा, 3430, चेंज नहीं हो। फिर दूसरी चीज़, जैसे आप लोग समझिए कि अगर जोड़ में कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है 2500, दो हजार पाँच सौ चालीस प्लस 3390 ठीक प्लस 150, इस तरह से दिया हुआ है। इसको अब जोड़ते वक्त जो आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा यहाँ पे आपका, अगर हम इस संख्या को जैसे मान लीजिए दाहिने तरफ है, ये बीच में है या क्या है, बाएं साइड, अगर हम चेंज करते हैं, जैसे बीच वाला इधर कर देते हैं 3390 प्लस, इसको लिख देते हैं 2540 प्लस 150, तो क्या यह इसका यह जोड़ने पे जो आंसर आएगा और इसको जोड़ने पे जो आंसर आएगा दोनों भिन्न होगा, नहीं होगा। तो कहने का मतलब इन लोगों का स्थान, जो भी संख्याएं दी होंगी उनका स्थान बदलने से जो आंसर आता है वह चेंज नहीं होता है। एक छोटे उदाहरण में आपको हम बताते हैं, जैसे मान लीजिए 25 है ठीक, 15 है, एक और हम ले लेते हैं इसमें 40 है मान लीजिए ठीक, ये जोड़ना है। तो 5 और 5 कितना होता है, 10। 10 में हम इकाई को लिखते हैं, एक हासिल होता है, अब हासिल अगले वाले संख्या में जुड़ जाती है, तो 2, 1, 3, 3 और 4, 7, इसमें एक हासिल था हमारे पास 7, कितना हो गया 8, यही होगा ना 8। कहने का मतलब इसमें यह था कि अब यहाँ पे जो है हम 40 पहले कर देते हैं, फिर इसको 25 कर देते हैं, फिर यहाँ पे हम 15 कर देते हैं, इस तरह से अब जगह चेंज हो गया, 40 नीचे था ऊपर चला गया, 25 ऊपर था बीच में आ गया, ये बीच में था ये नीचे आ गया। अब जोड़ते हैं 5 5 10 0, 4 2 6 6 1 7, एक इसमें हासिल था, कितना हो गया 8। इसका भी आंसर 80 आया, इसका भी आंसर क्या हुआ 80 आया। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हम जगह चेंज भी करेंगे अगर संख्याओं का, आंसर एक ही समान रहेगा, चाहे 2 अंक में हो, सिर्फ 2 संख्या को जोड़ना हो या 4 संख्या को जोड़ना हो, कितना हो संख्या को आपस में जोड़ना हो, जगह इधर उधर करने से आंसर में अंतर नहीं आएगा। दूसरी चीज़,
जोड़ में, जैसे मान लीजिए आप जानते ही हैं पिछली कक्षाओं में बताया गया है या आपको जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। इसको आपस में जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, पहले किस स्थान से जोड़ना शुरू करते हैं, इकाई के स्थान से। यहाँ पे इसीलिए इकाई, दहाई, सैकड़ा और यह हजार, यह इकाई के स्थान पे है, यह दहाई के स्थान पे है, यह सैकड़े के स्थान पे है और यह हजार के स्थान पे है। तो सबसे पहले जोड़ में हम इकाई की तरफ से शुरू करते हैं। इकाई तरफ से जब शुरू करते हैं हम तो यहाँ इकाई वाले संख्या जो भी रहता है आपस में जोड़ लेते हैं। यहाँ पे पाँच है, इसके नीचे जीरो है, इसको जोड़ लेंगे। जब पाँच में जीरो दिखेगा तो कुछ नहीं, कितना रहेगा, पाँच ही। अब आगे की संख्या, इकाई वाली संख्या हो गई, अब दहाई वाली संख्या को हम आपस में जोड़ेंगे। तो दहाई वाले संख्या में पहले तीन है, नीचे कितना, दो, दोनों को आपस में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, पाँच। उसी तरह से फिर आगे बढ़ते हुए सैकड़े वाले संख्या को हम जोड़ेंगे। तो सैकड़े में पहले स्थान पे कितना है, दो, नीचे कितना है, एक, दो एक कितना हो गया, तीन। अब उसी क्रम में फिर हजार को एक के नीचे जो है नहीं होगा, एक। इस तरह से हमारा यह हल होगा। तो जब भी हम जोड़ते हैं इकाई के तरफ से जोड़ते हैं। अगर हासिल वाला है, मान लीजिए इसमें हासिल मिलता है, जैसे आप लोगों को पता होगा, ए बी सी का उदाहरण देते हैं यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ आठ है, यहाँ नौ है, यहाँ सात है, यहाँ नौ, इस तरह की संख्या दी हुई है, इसको आपस में जोड़ना है। और यह क्या हुआ, अब जोड़ेंगे पाँच और आठ कितना हो जाएगा, तेरह। तेरह में जैसे आप लोगों को पता है यह तेरह, तेरह में कौन सा हम लिखते हैं, इकाई वाला। और यह जो क्या होता है, इसको हम हासिल लेते हैं। हासिल लेते हैं मतलब क्या होता है कि आगे जो हम जोड़ेंगे दहाई वाले में, इसको उसमें जोड़ना रहता है। तो हम पहले इसको अगर तेरह आया तो तेरह में यह संख्या हम तीन यहाँ लिखेंगे, और यह जो हमारा दहाई का एक बचा हुआ है इसको अगले वाले संख्या में हम जोड़ेंगे। तो तीन और नौ कितना होता है, बारह। हासिल कितना था हमारे पास, एक। तो 12 और 1 कितना हो गया, 13। फिर 13 आया, 13 में क्या करेंगे, 3 ही लिखेंगे। एक हमारा यह क्या हुआ, हासिल। हासिल का मतलब आगे वाली संख्या में फिर जुटेगा यह। तो आगे वाली संख्या में है 2 और 7, 2 और 7 कितना होता है, 9। हासिल कितना है, 1। तो 9 और 1 कितना हो गया, 10। अब 10 में फिर आप ये देखिए 10 है, और इसमें यह क्या लिखेंगे, इकाई के जगह का जीरो। हासिल कितना आया, एक इसमें। फिर आगे एक और नौ कितना हो गया, 10। 10 और एक कितना होगा, 11। यहाँ हम 11 क्या करेंगे, पूरा लिखेंगे कि सिर्फ एक ही लिखेंगे, ये 11 है आपका, इसमें यह भी पर लिखा जाएगा कि यह भी लिखेंगे। यहाँ पे हम पूरा 11 लिखते हैं, एक और नौ दस, एक हासिल आया हमें 11 हुआ। तो 11 में हम पूरा 11 लिखेंगे, क्यों, इसलिए हमें आगे अब कोई संख्या नहीं जोड़नी है। तो लास्ट में जोड़ते हुए जब आएंगे, जहाँ पर हमारा संख्या खत्म हो रहा है वहाँ जोड़ में जो भी रहेगा हम पूरा उसको जोड़ने के बाद लिख देते हैं। अगर इसके आगे और कोई भी संख्या रहती तो हम यहाँ पे सिर्फ 11 में इकाई के जगह का एक यहाँ पे लिखते, और यह एक जो होता वह फिर अगली संख्या में हासिल के रूप में चला जाता। लेकिन आगे कोई संख्या नहीं है इसलिए हम पूरा यहाँ पे इसको लिख देंगे। इसी तरह से आप लोगों का इस अभ्यास में जोड़ है, जो हम अभ्यास से संबंधित कुछ सवाल हल करके आप लोगों को बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। इस अभ्यास में आप लोगों का सिर्फ तीन अंकों का सिर्फ दिया हुआ है जोड़ में। किताब में आप लोगों को सेम इसी तरह से लिखा है, पहले अभ्यास छात्र एक निम्नलिखित को जोड़िए, ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा,
इस तरह से बनाया हुआ है किताब में, से बी का भी बनाया है, सी का भी बनाया है, इसको अब आपस में जोड़ना है। तो जैसे अभी हमने आप लोगों को पहले बताया सेम उसी तरह से कोई भी संख्या अगर आप लोगों को दी जाती है जोड़ने के लिए तो इस तरह से व्यवस्थित कर लीजिए, लिख लीजिए। ऐसे क्या है आसान रहता है, अगर आपको थोड़ा दिक्कत होता है तो इस तरह से आपस में लिखिए इकाई ढाई सैकड़ा, फिर यह जमा रहेगा। यह जो जमा आपका जीरो जीरो ऊपर बनाया हुआ है, खाली स्थान दिया गया है। यह इसलिए दिया गया है कि हम जब जोड़ेंगे जो हासिल हमें मिलेगा हम इसको ऊपर यहाँ पे लिख देंगे, जिससे क्या भूलेगा नहीं, अगले संख्या में हमें क्या होगा भूलना नहीं होगा, यहाँ पे लिखा रहेगा तो हम आपस में इसको जोड़ देंगे, इसलिए यह बनाया गया है। और कभी भी लिखिए तो जो इकाई की संख्या रहती है उसको सेम इकाई की जगह इकाई, दहाई की जगह दहाई, सैकड़े की जगह सैकड़े, इस तरह से लिखा होना चाहिए, जिससे आपस में जोड़ने में क्या होगा आसानी होगा। तो पहले इस संख्या को हम जोड़ते हैं, देखिए ये इकाई है, इकाई के नीचे पाँच लिखा है, छः लिखा है, दहाई है, दहाई के नीचे जीरो है और एक है, सैकड़ा है जो सैकड़े के नीचे पाँच है और दो है। अब इसको जोड़ना है, अब चलिए जोड़ते हैं पाँच और छः, पाँच और छः कितना होता है ग्यारह। अब ग्यारह में देखिए जैसे भी बताया ग्यारह में क्या करेंगे हम इकाई के जगह का लिखेंगे, इकाई के जगह क्या होता है ग्यारह में एक, और दहाई के जगह क्या होता है एक, तो एक क्या होगा अब यहाँ पे हमें जो बचा है हम इसमें लिख देंगे। यह इसलिए कि अब इसमें हमें इसको संख्या को जो भी हमें हासिल मिला है इसमें लिखे रहेंगे तो उसको हम इस संख्या में हमें जोड़ देना है, इसलिए हमें जो हासिल मिला हमने इसमें लिख दिया। अब इसको आपस में जोड़ देंगे, एक है यहाँ पे जीरो है, एक हुआ और एक यह, एक यह और यह एक, एक एक कितना हो गया दो, यहाँ दो हुआ देखिए। फिर हासिल हमें इसमें मिला नहीं मिला, हासिल नहीं मिला इसको हम ऐसे क्रॉस कर देंगे। अब यहाँ पे पाँच और दो कितना हो गया सात, यहाँ सात हुआ देखिए। इस तरह से अब आपका ए हल हो गया। अब बी, बी में चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए दिया है इकाई दहाई सैकड़ा, उसके बाद यहाँ जीरो है इकाई की जगह, यहाँ आठ है, यहाँ दहाई की जगह जीरो है, यहाँ दो है, यहाँ सैकड़े में देखिए सैकड़े में यहाँ चार है, यहाँ क्या कोई संख्या नहीं दिया हुआ। तो ध्यान से इसको जोड़िए, देखिए इकाई में जीरो में हम आठ जोड़ेंगे, जीरो का मतलब जैसे बताया कुछ नहीं, जब कुछ नहीं उसमें आठ जोड़ेंगे तो क्या होगा वही संख्या रह जाता है, यहाँ आठ हो गया। अब आठ है हासिल हमें आठ में कुछ मिला नहीं मिला, यह क्रॉस हो जाएगा। अब यह दो है इसमें भी कुछ नहीं है, ये दो हो गया, यहाँ भी क्रॉस में कुछ नहीं है, क्रॉस हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा चार। इस तरह से यह आपका बी हो गया। अब सी, चलिए इसको देखते हैं, सी में देखिए इकाई की जगह सात है, सात है, फिर दहाई की जगह आठ जीरो है, सैकड़े की जगह छः और पाँच है, जोड़ते हैं सात और सात कितना होता है चौदह, चौदह में आप क्या लिखेंगे चार इकाई की जगह का, चौदह यही होता है ना, चौदह इकाई की जगह चार लिखे एक या क्या होगा हासिल हमें मिला, तो हासिल कहाँ लिखेंगे इसमें एक। अब यह एक इसमें जुड़ जाएगा, एक और आठ कितना हो गया नौ, यहाँ नौ लिख दिया, इसमें हासिल मिला सिर्फ एक संख्या नौ है ना, इसमें हासिल हमें नहीं है, तो अब नौ यहाँ पे है, यहाँ पे हासिल नहीं मिला, एक रास हमने कर दिया। छः और पाँच, छः पाँच कितना होता है ग्यारह, हमने यहाँ ग्यारह पूरा लिख दिया, क्यों इसलिए इधर आगे संख्या नहीं है, सिर्फ यह तीन अंकों का जोड़ है। यह हमारा सी इस तरह से हल हो गया। अब आप अभ्यास 6.1 में और भी सवाल इसी आधार पे इसी से संबंधित से इसी तरह से है जो आप उसको स्वयं हल करेंगे। अब अगला जो आपका चैप्टर है अभ्यास 6.2, अभ्यास 6.2 वह यहाँ पे तीन अंकों का जोड़ था, वहाँ पे चार अंकों का जोड़, चार अंकों के जोड़ में क्या हो जाएगा कहाँ तक हजार तक,
ยาติกายทหารแสกราหจาร์ตีนังคุณเนี่ยแสกราตะกาจาร์ตุเนหจาร์ตุตุสเนหจาร์ตุที่สังขยาห์ก้าจูดห์เมสีขนาห์ที่แค่เซจูดเองเดี๋ยวอันเบียชเชอร์อัศวะ2เมพาลาเนราเนมิคิตคู่จูดีเอนิมิคิตคู่จูดีเออิสเนเอเฮดิยาเฮอิกายทหารแสกราหจาร์जैसे भी होता है हमने चार अंकों में यह दिया है अब इसको आपस में हमें जोड़ना है अभी पिछले में जो तीन अंक था इसमें चार अंक एक दो तीन चार यह चार अंक का हो गया आपका जोड़ अब इसको जोड़ना है तो सेम उसी तरह से इसमें भी हम चाहे तीन अंक का हो चाहे चार अंक का जैसे बताया पाँच अंक का हम नियम जो होता है वही होता है उसी तरह से जोड़ते हैं अब यहाँ पे दो में है अगर मान लीजिए एक और संख्या यहाँ नीचे दी होती तब भी सब वही सेम तरीके से जोड़ते इकाई को पहले आपस में जोड़ लेंगे फिर कहानी को तो यहाँ पे देखिए अब इसको हम जोड़ते हैं तो इकाई की जगह यह आपका दो है जीरो है जोड़ दिए कितना होगा दो यहाँ हासिल मिला नहीं अब यहाँ कुछ नहीं है क्रास हो जाएगा नौ और एक कितना होता है दस दस दो अंक का है ना इकाई को हम लिखेंगे और दहाई को हासिल में लेंगे तो दहाई में कितना था एक एक यहाँ हमने हासिल में लिख दिया अब जोड़ेंगे एक और आठ कितना होगा नौ नौ और तीन कितना होगा बारह बारह में हमने दो एक क्या हुआ हासिल मिला हमने यहाँ पर लिख दिया फिर उसी तरीके से एक और छः कितना हुआ सात सात और एक कितना हो जाएगा आठ यहाँ हासिल नहीं मिला आगे की संख्या कोई नहीं है हमने यह लिख दिया क्या आपका आंसर उसी तरीके से बी सी डी है आप स्वयं हल करेंगे इसमें एक और है सवाल जी जो हम आपको बताते हैं देखिए सेम उसी तरीके से यहाँ लिखा गया है इकाई दहाई सैकड़े हजार यह ऊपर हासिल रखने के लिए खाली स्थान बनाया गया है और यह संख्या दी हुई है अब इसको आपस में हमें जोड़ना है एक है नौ एक नौ कितना हो जाएगा दस दस में कितना लिखेंगे जीरो एक हमारा यहाँ हासिल हो गया अब इसको जोड़ते हैं एक और सात आठ आठ और दो कितना होगा दस फिर एक यहाँ हमें हासिल मिला एक हो गया अब यहाँ एक और आठ कितना होगा नौ एक और आठ नौ नौ में कितना जीरो जोड़ना है तो जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है तो हमने सिर्फ वहाँ नौ यहाँ लिख दिया अब नौ इसमें हासिल मिला नहीं एक रात हो गया छः और दो कितना होगा आठ इस तरह से ये आपका हल तो इसमें जो भी आपका पहला में हमने दो सवाल बताए हैं ए और जी बाकी जो सवाल है आप उसे स्वयं हल करेंगे बहुत आसान है अब दूसरा देखिए दे रहा है इसमें अभ्यास छः दशमलव दो का दूसरा लिख रहा है संख्याओं को जोड़िए नीचे कुछ संख्याएं दी हुई हैं उसको आपस में जोड़ना है इसमें पहला जो आपका दिया है ए लिख रहा है 6952 6952 एक संख्या यह हो गया 3872 तथा 2730 2730 तीन संख्याएं इसमें हैं देख लीजिए एक संख्या यह एक संख्या यह और यह एक संख्या यह तीनों संख्याओं को हमें आपस में जोड़ना है लिखा रूपक संख्याओं को जोड़िए जोड़िए मतलब जोड़ना इसको आपस में योग करना है इनका तो पहला 6952 3872 तथा 2730 चलिए इसको जोड़ते हैं हम इसको मिटाते हैं आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको अब यहाँ पे हम जोड़ते हैं उसको जोड़ के बताते हैं आपको ए का जो है यह देखिए पहला जो संख्या है यहाँ पर 6952 तो सबसे पहले हम क्या करेंगे चार अंक का यह जोड़ है इकाई दहाई सैकड़ा हजार इसमें भी चार है इसमें भी चार तो सबसे ज़्यादा जो रहेगा उसी को हम पहले लिखते हैं जिसको पहले हम व्यवस्थित करेंगे आप इकाई लिखेंगे दहाई सैकड़ा हजार इस तरह से लिख के हम यहाँ पे जगह ऐसे
खाली स्थान छोड़ेंगे, ऐसे एक गोला बनाएंगे, या इसलिए हासिल के लिए जो हासिल मिलेगा हम इसमें लिखेंगे। अब इसके नीचे हमें संख्याएं लिखनी है। अब कौन सी संख्याएं लिखनी है? सबसे पहले कौन सा आया? 6952 पहली संख्या आया ना, हम लिखेंगे यहाँ 6952। इसमें ध्यान दीजिए 6952 इकाई कितना है? 2। दहाई कितना है? 5। सैकड़े की जगह कितना है? 9। हजार का 6। इसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे लिखेंगे इकाई की जगह इकाई, दहाई की जगह दहाई, सैकड़े की जगह सैकड़े, हजार की जगह हजार। फिर उसी क्रम में उसी तरीके से हम दूसरी संख्या जो लेंगे यह है 3872, उसको भी उसी तरह से व्यवस्थित करेंगे, जो जहाँ पे है वहीं पे लिखेंगे। यहाँ पे 3000 के जगह 3872, इस तरह से ये 72 हो गया। फिर इसमें और है जोड़ना, अब तथा 2730, तो सेम उसी तरीके से 2730। ये हमने संख्या इकाई के जगह इकाई, दहाई के जगह दहाई, सैकड़े के जगह सैकड़े, हजार के जगह हजार, हमने यह नोट कर दिया। इसको क्या करना है? आपस में जोड़ना है। आगे और कोई संख्या नहीं दिया इसने? नहीं। आगे अगर कोई और संख्या देता तो हम इसके नीचे लिखते, लेकिन यहाँ पे केवल 3 संख्याएं, 1 2 3, 3 संख्याएं दी हुई हैं, हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब इसको आपस में जोड़ना है। जोड़ने का यह चिन्ह हम जानते हैं, ऐसे यहाँ पे रखेंगे या लगाएंगे और इसको आपस में जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं, 2 और 2 कितना? 4। 4 में 0 मतलब कुछ नहीं है, क्या होगा आपका 4। हासिल नहीं मिला है या क्रॉस कर दीजिए। 5 और 7 12। 12 और 3 15। 15 कितना लिखेंगे? सिर्फ 5। 1 क्या होगा? हासिल। 1 कहाँ जाएगा? ऊपर। इसमें या इसलिए बनाया गया हासिल रखने के लिए, यहाँ पे 1 यहाँ पर हम इस तरह से रख देंगे। अब अगर 1 इसमें जुड़ेगा तो 1 और 9 10, और 10 और 8 कितना होगा? 18। 18 और प्लस 7 कितना हो जाएगा? 24। 18 और 7 25 होगा कितना होगा? यहाँ पे आपका 1 है, 1 और 9 लिख दिया 1। अब इसमें जुटेगा 1 और 9 कितना हो गया? 10। 10 हो गया। अब 10 और 8 कितना होगा? 18। 18 और 7 कितना हो जाएगा? 25। कितना होगा? 25। 25 को 5। अब कितना हासिल मिला है हमें? 2 मिला। 25 यही है ना, 25 में इकाई कितना लिखते हैं? 5 हमने लिख दिया है, 2 यह हमारा हासिल हुआ है, तो 2 इसमें लिखेंगे। अब यह 2 इसमें जुटेगा तो 2 और 6 8, 8 और 3 11, 11 और 2 कितना होगा? 13। अब 13 क्या करेंगे? यहाँ पर पूरा लिखेंगे, 13 यहाँ पे पूरा लिखेंगे, पूरा एक अंक संख्या जो रहेगा यहाँ पे हम पूरा 13 लिख देते हैं, इसलिए कि आगे हम यह कोई संख्या यहाँ पे जोड़नी नहीं है। तो यह इस तरह से हमारा यह हल हुआ। ये हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से आपका सी कितना है? सी इसमें दे रहा है 982 पहली संख्या, 3950 दूसरी संख्या, तथा 27 तीसरी संख्या। अब इसको हमें क्या करना है? जोड़ना है। ये नोट कर लीजिएगा, इसे हम मिटा रहे हैं। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे हम पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार लिख लेंगे। अब उसके नीचे जो भी संख्या दिया होगा वह व्यवस्थित करेंगे, लिखेंगे। तो पहली संख्या आपका दे रहा है 982, तो सबसे पहले हमने बताया यहाँ पे आप हासिल रखने के लिए ऐसे बना लेंगे,
ठीक। अब उसके बाद संख्या लिखेंगे, यहाँ पे 982 दिया है, उसी में यहाँ पे 982 लिखेंगे ऊपर में, यह आपकी पहली संख्या है। दूसरी संख्या दे रहा 3950, और लिखेंगे 3950। अब अगली संख्या कितना, 27, केवल 27। अब इसको आपस में हम जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, तो जो भी संख्या दिया होगा, जैसे जैसे दिया, जिस क्रम में हम उस क्रम में ऐसे रखेंगे उसको, तब जाके उसके बाद क्या होगा, हम उसको जोड़ेंगे। तो जोड़ते हैं, 2 और 7 कितना होगा, 9, हाँ से नहीं है, क्रॉस हो गया, 8 का 13, 13 2 15, 15 का 5, 1 यहाँ पे हाँ से हमारा हो गया। अब 1 और 9 कितना हो गया, 10, और 10 9 19, 19 को 9, 1 हमारे यहाँ हासिल हुआ। अब देखिए, इसके लिए यहाँ जोड़े हैं तो कोई संख्या नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे 2 संख्या जोड़ा है। अब यहाँ पे हमें 1 हासिल मिला है, अब हासिल में देखिए यहाँ भी कोई संख्या नहीं है और यहाँ भी कोई संख्या नहीं, तो सिर्फ उसी तरीके से जैसे जो नियम है, 1 और 3 को आपस में जोड़ देंगे, 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4, यह 4 आपका हो गया। इस तरह से आपका यह जो सी है यह हल हुआ, यह सी का। ओके, तो अब जो भी इसमें और एक दो सवाल है वो आप इसी तरह से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार लिख के उसके नीचे से इस तरह से कालम बनाएंगे आप लोग, और जिस आधार पे पहले जो अंक संख्या दी हुई होगी उसको पहले दूसरे नंबर पे जो रहेगा दूसरे पे, तीसरे पे जो रहेगा तीसरे पे, इस तरह से व्यवस्थित करके हम इसे आपस में जोड़ देंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को यह अभ्यास 6.1 और 6.2 के जो भी सवाल हैं वो समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत, अगर कोई परेशानी हल करने में आती है, तो आप ग्रुप में, व्हाट्सएप के ग्रुप में हमसे आप पूछ सकते हैं,